ओम श्री हरि। आज हम श्री गजानन स्तोत्र का पाठ करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। अथ श्री गजानन स्तोत्र। देवर्षि उवाच, विदेह रूपं भवबन्धहारं सदा सुनिष्टं ससुखप्रदतं अमेय सांख्यं च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः। देवर्षि कहते हैं, जो विदेह रूप हैं अर्थात जो देह रहित हैं, जो भवबंधन का नाश करने वाले हैं, सदा अपने ही स्वरूप में स्थित हैं और आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो अमेय सांख्य ज्ञान के लक्ष्य हैं, उन भगवान गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। मुनीन्द्रवन्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशांतं विकारहीनं सकलांगकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामि। जो मुनीश्वरों के लिए भी वंदनीय हैं, जो विधिबोध से रहित हैं, जो उत्तम बुद्धि के देने वाले हैं, जो बुद्धिधारी हैं, जो प्रशांत चित्त हैं, सदा शांत रहने वाले हैं, जो निर्विकार हैं और सर्व प्रकार से पूर्ण हैं, उन गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। अमेय रूपम हृदय संस्थितम तम ब्रह्माहमेकम भ्रमनाशकारम अनादिमध्यांत पार रूपम गजाननम भक्तियुतम भजामि। जो अमेय स्वरूप है, जो हृदय में स्थित है, जो एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है, जो ब्रह्म का नाश करने वाले हैं, जिनका ना आदि है ना मध्य है और ना ही अंत है, जो अपार रूप है, उन भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। जगत प्रमाणम जगदीशमेवमगम्यमाद्यम जगदादिहीनम अनात्मनम मोहप्रदम पुराणम गजानम भक्तियुतम भजाम। जिनका स्वरूप विश्वव्यापी है, जो जगदीश्वर हैं, जो अगम्य हैं, जो सबके आदि हैं अर्थात सबके शुरू में जो हैं और जगत आदि से हीन है, और जो अज्ञानी पुरुषों को मोह में डाले रखने वाले हैं, उन पुराण पुरुष श्री भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। अमेय रूपम हृदय संस्थितम तम ब्रह्माहमेकम भ्रमनाशकारम अनादिमध्यांत पार रूपम गजाननम भक्तियुतम भजामि। जो अमेय स्वरूप है, जो हृदय में स्थित है, जो एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है, जो ब्रह्म का नाश करने वाले हैं, जिनका ना आदि है ना मध्य है और ना ही अंत है, जो अपार रूप हैं, उन भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। जगत प्रमाणम जगदीशमेवमगम्यमाद्यम जगदादिहीनम अनात्मनम मोहप्रदम पुराणम गजानम भक्तियुतम भजाम। जिनका स्वरूप विश्वव्यापी है, जो जगदीश्वर हैं, जो अगम्य हैं, जो सबके आदि हैं अर्थात सबके शुरू में जो हैं और जगत आदि से हीन है, और जो अज्ञानी पुरुषों को मोह में डाले रखने वाले हैं, उन पुराण पुरुष श्री भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। न प्रतिरूपम न जल प्रकाशम न तेज संस्थम न समीर संस्थम नाखेगतम पंचभूतहीनम गजाननम भक्तियुतम भजाम। जो न पृथ्वी के रूप में और ना ही जल के रूप में प्रकाशित होते हैं, और जो ना ही तेज वायु और आकाश में स्थित हैं, उन पंचभूतियों से रहित भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। न वेश्यगम तैजसगम न प्राज्ञम समष्टिव्यष्टिस्तमनंतगम तम गुणर्विहीनम परमार्थभूतम गजाननम भक्तियुतम भजाम। जो न विश्व हैं, न तेजस हैं और न ही प्राज्ञ हैं, समष्टि और व्यष्टि दोनों में स्थित हैं, जो निर्गुण और परमार्थ स्वरूप हैं, उन भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। ईशगम नैव च बिंदु संस्थम न देहिनम बोधमयम न दुष्टिम सुयोगहीनम प्रवदन्ति ततस्तम गजाननम भक्तियुतम भजाम। जो न तो गुणों के स्वामी में हैं, ना किसी बिंदु में विराजमान हैं, ना जो देहधारी हैं, ना बोधमय हैं, जो सुयोगहीन हैं और योग में स्थित हैं, उन भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। अनागतम गैव गतम गणेशम कथम तदाकारमयम वदाम तथापि सर्प्रतिदेहि संस्थम
गजाननं भक्तियुतं भजाम। जो अनागत हैं, जो गजग्रीव आगत हैं, उन्हें हम साकार कैसे कहें। यद्यपि यह भी सच है कि वे स्वरूप हैं और सभी शरीरों में स्थित हैं, ऐसे उन भगवान गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। यदि त्वया नाथ कृतम न किंचित तदा कथम सरमिदं भजामि अतो महात्मन चिंतमेवं गजाननं भक्तियुतं भजाम। हे नाथ, हे प्रभु, यदि आपने कुछ भी धारण नहीं किया या कोई शरीर धारण नहीं किया, तब हम कैसे इसकी सेवा करेंगे या कैसे इसका भजन करेंगे। ऐसे महात्मा गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। सुसिद्धिदं भक्तजनस्य देवं सकामिकानामिहा सौख्यदं तं अनामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजाम। जो भक्तजनों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, जो सकाम पुरुषों को अभीष्ट सुख प्रदान करने वाले हैं और निष्काम जनों के भवबंधन या संसार बंधन को हरने वाले हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष देने वाले हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। सुरेन्द्र सेव्यम असुरे सुसेव्यम समान भावेन विराजयंतम अनंत बाहु मूषक ध्वजम तम गजाननं भक्तियुतं भजाम। जो देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा सेव्य हैं और असुर भी जिनकी भली भांति सेवा करते हैं, जो समान भाव से सब जगह विराजते हैं, इनकी भुजाएं अनंत हैं और जो मूषक ध्वज हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। सदा सुखानंदमयं जले च समुद्रजये क्षुरसे निवासं द्वंद्वस्य यानेन च नाशरूपं गजाननं भक्तियुतं भजाम। जो सदा सुख और आनंदमय हैं, जो समुद्र के जल में तथा एक शरस में निवास करते हैं और जो अपने यान के द्वारा द्वंद्वों का नाश करने वाले हैं, उन भगवान गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। चतुः पदार्था विविध प्रकाशास्त एवं हस्ता सा चतुर्भुजं तम अनाथनाथं च महोदरं वै गजाननं भक्तियुतं भजाम। इस संसार में विविध रूप से प्रकाशित होने वाले चार पदार्थ अर्थार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही जिनके चार हाथ हैं, और उन्हीं चार हाथों के कारण जो चतुर्भुज कहलाते हैं, उन अनाथों के नाथ भगवान लंबोदर गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। महाकुमारूढ़ काल कालम विदेह योगेन च लभ्यमानम अमायनम मायिक मोहदम तम गजाननम भक्तियुतम भजाम। जो विशाल मूषक पर सवारी करते हैं, जो काल के भी काल हैं, जिन्हें विदेहात्मक योग से ही पाया जा सकता है, जो माया से परे हैं, जो मायावी नहीं हैं परंतु जो मायावियों को मोह में डाल देने वाले हैं, उन भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। रवि स्वरूपम रविभासहीनम हरि स्वरूपम हरिबोधहीनम शिव स्वरूपम शिवभासनाशम गजाननं भक्तियुतं भजाम। जो सूर्य स्वरूप होकर भी सूर्य प्रकाश से हीन है, जो हरि स्वरूप होकर भी हरिबोध से हीन है, तथा जो शिव स्वरूप होकर भी शिव प्रकाश के नाशक हैं, उन गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। माहेश्वरस्थम च सुशक्तिहीनम प्रभुम परेशम परबंध्यमेवम अचालकम चालक बीज रूपम गजाननम भक्तियुतम भजाम। जो महेश्वरी के साथ रहकर भी उनके शक्ति से दूर है, जो प्रभु परमेश्वर और पर के लिए भी वंदनीय हैं, जो स्वयं अचालक हैं पर जो चालक के बीज रूप हैं, जो चालक का कारण है, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। शिवादिदेवश्च खगेश्च वन्यम नरल्लता वृक्ष पशु प्रमुखे चराचरलोकविहीनमेकं गजाननं भक्तियुतं भजाम। जो शिव आदि देवताओं, पक्षियों, मनुष्यों, लताओं, वृक्षों
और प्रमुख पशुओं तथा चराचर जगत के सभी प्राणियों के लिए वंदनीय हैं, ऐसे होते हुए भी जो स्वयं लोक रहित हैं उन एक आदित्य गजानन भगवान का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। मनोवचोहीन तया सुसंस्थम निवृत्ति मात्रम हाजम वयम तम तथापि देवम पुरुषंस्थितम तम गजाननम भक्तियुतम भजाम। जो मन और वाणी के सामर्थ्य से दूर स्थित हैं, जिन्हें पाने का केवल निवृत्ति मार्ग है, जो अजन्मा है और अविनाशी है, पर इसके बावजूद भी जो नगर में स्थित हैं, उन गजानन का हम भक्तिभाव से भजन करते हैं। वयम सुधन्या गणपतस्त्वेन तथैव मर्त्यार्चन्तस्तथैव गणेश रूपाय कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजाम। हम भगवान गणपति की स्तुति से परम धन्य हो गए। मर्त्यलोक की वस्तुओं से उनकी पूजा करके भी हम अपने को धन्य समझते हैं। इस पूजा करने पर भगवान गणेश ने हमें अपना स्वरूप प्रदान किया, अपने जैसा बना लिया। उन भगवान गजानन का हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं। गजास्य बीजम प्रवदन्ति वेदास्त देवा चिन्नेन च योगिनस्त्वाम गच्छन्ति तेनैव गजाननम त्वाम गजाननम भक्तियुतम भजाम। हे भगवान गणपति, आपके बीज मंत्र को वेद बताते हैं, उसी बीज मंत्र रूपी चिन्ह से योगी पुरुष आपकी आराधना करके आपको प्राप्त होते हैं। आप गजानन का हम भक्तिभाव से भजन करते हैं। पुराण वेदा शिव विष्णु काध्या शुक्रादयो ये गणपस्तवै वै वैकुंठिता किं च वयं स्तुविमौ गजाननं भक्तियुतं भजाम। वेद, पुराण, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इंद्र तथा शुक्र आदि भी जिन गणपति की स्तुति में कुंठित हो जाते हैं तथा उनका पूरा वर्णन नहीं कर पाते, फिर हम लोग उनकी स्तुति कैसे करें, अर्थात हम उनकी कैसे स्तुति कर सकते हैं, हमें उतनी क्षमता नहीं है। हम गजानन का केवल भक्तिभाव से ही भजन कर सकते हैं। इति श्री गजानन स्तोत्रम।